हेलो लर्नर्स, हमने अब तक मास सिलेक्शन किया या प्योर लाइन सिलेक्शन किया, तो उसमें हमने देखा कि सिलेक्शन करने से हम क्या कर रहे थे, हमारी जो भी वेरिएबिलिटी थी उसको हम क्या कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है सिलेक्शन में, हमारी जो वेरिएबिलिटी होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। अब हमने ये भी देखा कि हम जो ऑलरेडी उस पॉपुलेशन में जो भी कैरेक्टर्स हैं, हम उन्हीं को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहां से कोई और कैरेक्टर्स डेवलप नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन से जो भी वेरिएबिलिटी ऑलरेडी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है उसी को हम यूज कर सकते हैं, और एक पॉइंट के बाद हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो जाती है। तो अब अगर हमारे को कोई ऐसा प्लांट डेवलप करना है जिसकी यील्ड भी अच्छी हो और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी हो, दोनों चीजें हम चाहते हैं एक ही प्लांट में, तो इस चीज के लिए हमारे को क्या करना, हमें करना होगा इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, हम दो अलग जीनोटाइप के पेरेंट्स को चूज करते हैं। हो सकता है एक में कोई सी क्वालिटी हो और दूसरे में कोई और क्वालिटी हो, पर अगर हम कोई जीनोटाइप ले रहे हैं अलग अलग दो, तो उनको भी हमारे को पता होना चाहिए कि वो प्योर लाइन होमोजाइगस और प्रोटोटाइप होना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो भी रिजल्ट हमें मिले हमें कंफ्यूजन ना हो क्या है क्या नहीं है। हमें पता हो कि हाँ हमने ये पेरेंट सेलेक्ट किए थे, हमारे को जो रिजल्ट्स मिले हैं उसके हिसाब से हमें पता रहेगा कि हाँ हमारे क्या कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो पेरेंट्स का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, सपोज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डिजीज रेजिस्टेंस, तो हमारे पेरेंट्स में वो जीन्स होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारी जो हाइब्रिड वैरायटी है हम चाहे तो हम उस हाइब्रिड वैरायटी को भी रिलीज कर सकते हैं एज अ न्यू वैरायटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, उनकी जो F1 जनरेशन होती है वो ज्यादा विग्रस होती है एज कम्पेयर टू उसके पेरेंट्स। तो देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, कैसे कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। पहला टाइप है हमारा कि हम एक ही स्पीसीज की दो अलग अलग वेराइटीज या दो अलग अलग स्ट्रेन में क्रॉस करें, या तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। दो वेराइटीज के बीच में, दो अलग अलग वेराइटीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, पर क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन एक ही स्पीसीज की वेराइटीज के बीच में है, तो स्पीसीज तो हमारी सेम ही है, एक ही स्पीसीज के अंदर दो वैरायटीज में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक, क्योंकि स्पीसीज एक ही है इसलिए इंट्रा स्पेसिफिक, और वैरायटीज दो अलग अलग है इसलिए इंटर वैरायटल। तो इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर वैरायटल हाइब्रिडाइजेशन हम उसे बोलेंगे। ये भी हमारा दो टाइप का हो सकता है। पहला हमारा है सिंपल क्रॉस। अगर हम किसी एक स्पीसीज की दो वैरायटीज को ले रहे हैं और उनमें क्रॉस करा रहे हैं, तो हमारा सिंपल क्रॉस है, एक पेरेंट वन है एक पेरेंट टू है, और जो हमारा हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल या F1 हाइब्रिड। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम एक और पेरेंट यूज कर ले, सपोज हमारा जो पहला F1 प्रोड्यूस हुआ है, पहली जनरेशन जो है उसको एक तीसरे पेरेंट के साथ अगर हम क्रॉस करते हैं, तो हम उसे बोलेंगे F1 टॉप क्रॉस, या हम इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स क्रॉस या कन्वर्जेंट क्रॉस। कन्वर्जेंट क्यों, क्योंकि अलग अलग वैरायटीज जो हैं हमारी, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो एक हमारे नेक्स्ट हाइब्रिड में आ रही है, तो सारी जो वैरायटीज के जो भी ट्रेड्स हैं वो सब कन्वर्ज होके एक वैरायटी में आ रहे हैं, सो इट इज अ कन्वर्जन। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम एक सिंपल क्रॉस कराएं, पहले दो वैरायटी, वैरायटी वन और वैरायटी टू के बीच में हमने क्रॉस कराया, हमारी बनी F1, देन हमने दूसरी वैरायटी, वैरायटी थ्री और वैरायटी फोर के बीच में क्रॉस कराया, इसका जो F1 बना वो अलग। अब हम इन दोनों F1 जनरेशंस के बीच में अगर क्रॉस कराते, तो हमारी जो वैरायटी बनी उसको हम, उस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, डबल क्रॉस वैरायटी। तो हम इस तरीके के क्रॉस करा के क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम क्रॉसिंग करते जाएंगे, तो हमारी उन वैरायटीज में जो बन रहे उनमें क्या होगा, फेवरेबल जीन्स जो हमें चाहिए वो क्या होती जाएंगी, इकट्ठी होती जाएंगी, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारी अनरिलेटेड वैरायटीज थी वो भी सिमिलैरिटीज शो करने लगेंगे। और अगर हम इनको बार बार हम इनको ग्रो करते जाए, तो उससे क्या होगा कि ये हमारी वैरायटीज एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। हम क्या देख रहे हैं कि हमने क्रॉस कर करके हमारी जो फेवरेबल जीन्स है उनको इकट्ठा किया पॉपुलेशन में, तो उससे हमारी क्रॉप में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। दूसरे टाइप का एक क्रॉस होता है जैसे बोलते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस होता है, तो ये जनरली इसका एम यही होता है कि ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो हमें अपनी क्रॉप में डालना है, तो हम उसे दूसरी स्पीसीज से भी ले सकते।
सकते हैं।